भजनलाल शर्मा की टीम में एक और शर्मा संजय शर्मा मंत्री पद की शपथ ले ली है, किस तरह से देखते हैं? सोचा था दूसरी बार विधायक बनोगे और सीधे मंत्री? देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे मौका दिया है, और 35 साल से एक साधारण कार्यकर्ता के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, और मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद अलवर शहर विधानसभा से पहला जनप्रतिनिधि है जिसको मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही, लेकिन अलवर शहर की जनता का भी सौभाग्य है कि अलवर शहर की जनता को मंत्री पद से नवाजा गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। वरिष्ठ के साथ साथ इस बार युवाओं से तालमेल बैठाकर सरकार चलेगी? देखिए, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का संरक्षण और युवाओं की धार निश्चित रूप से राजस्थान चहुंमुखी विकास करेगा। अच्छा, इस बार देखा गया कि संगठन में जो काम करने वाले दरी पट्टी के हो, चाहे संगठन के जो पदाधिकारी रहे हो, उनको ज्यादा तवज्जो मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें कार्यकर्ताओं को आज से नहीं, जब से इस पार्टी की स्थापना हुई है, जब से कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिल रही है, इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी का विस्तार पूरे देश भर में हुआ है, और इसी कारण से विश्व की सबसे बड़ी संख्यात्मक दृष्टिकोण से यदि कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जातीय सोशल इंजीनियरिंग भी काफी की गई इसको लेकर? निश्चित रूप से राजनीति में है तो जातीय सोशल इंजीनियरिंग देखी जाएगी, और उसमें हर वर्ग को सामंजस्य मिले, हर वर्ग को मौका मिले, इस बात की चिंता ही नहीं अपितु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करके दिखाया भी गया। लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से राजस्थान की 25 सीटों पर कमल फूल का फूल खिलेगा, और हमारे लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे, ये पूरा विश्वास। संजय जी, आपका पसंदीदा विभाग भी बता दीजिए अब चलते चलते। देखिए, मैंने कहा ना, मैं 35 साल से एक साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी में कार्यकर्ता के नाते काम किया है। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी उसे मेहनत करके बखूबी निभाया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य सौंपेंगे मैं उसको बखूबी निभाऊंगा, और ये विश्वास देता हूं कि जो भी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे सौंपा जाएगा उसे बखूबी निभाऊंगा। प्राथमिकता बता दीजिए, उससे हम अंदाजा लगा लेंगे आपके कौन सा विभाग पसंद है। आपको कहा ना, राजस्थान का चहुंमुखी विकास और बिना किसी भेदभाव के हो, ये मेरी ही नहीं अपितु भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आदरणीय भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यही हमारा मैंडेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वतंत्र प्रभार जो कि राज्य मंत्री बने हैं संजय शर्मा, अलवर से जीत कर आए हैं, दूसरी बार जीत कर आए हैं और दूसरी बार में ही सीधे मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनने के बाद राजस्थान के चहुंमुखी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन खास तौर पर देखा गया इस पूरे मंत्रिमंडल में जो संगठन का काम कर रहे हैं, ज्यादातर संगठन से ही जुड़े हुए हैं और उनको प्राथमिकता मिली है। हालांकि इसमें जो पहले संगठन छोड़कर चले गए थे उनको इसमें जगह नहीं मिली है, लेकिन संगठन में काम करने वाले, दरी पट्टी का काम करने वाले कहीं ना कहीं पार्टी ने और सरकार ने उसमें अपनी भागीदारी दी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।